सब ठीक है, सब ठीक है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे के चयन को लेकर मचे घमासान के बीच कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में शुक्रवार देर शाम को नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों की बैठक की गई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस चुनाव पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश मामलों के प्रभारी सांसद राजीव शुक्ला, सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली, संजय दत्त, तजेंद्र पाल बिट्टू, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मौजूद रहे। बैठक में किसी भी चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है, जिसके बाद सिंगल लाइन एजेंडा हाईकमान को भेजा जाएगा। अब हाईकमान तय करेगा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा कि बैठक में 40 विधायक शामिल हुए, सभी ने पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया है। सीएम को चुनने के लिए ये प्रस्ताव मुकेश अग्निहोत्री लेकर आए और इसका समर्थन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट हाईकमान के सामने कल रखेंगे, जिसके बाद विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। हमारे विधायकों को आने में देर लगा, जो टाइम हमने 4 बजे का दिया था, तो 7 से 8 बजे के बीच तक विधायक पहुँच पाए। और सबसे खुशी की बात थी कि 40 के 40 विधायक यहाँ पर पहुँचे, जो आज की मीटिंग हुई, और 40 विधायकों ने एक साथ हाथ उठाकर जो प्रस्ताव पेश किया गया कि हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत करते हैं कि वो किसको अपना नेता चुने, और उन्होंने यूनानिमसली सर्वसम्मत से प्रस्ताव पारित करके पार्टी हाईकमान को जो है अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे उसको नेता जो है यहाँ पे विधायक दल का चुन सकते हैं। यहाँ पे जब बैठक शुरू हुई तो हमारी प्रदेश अध्यक्ष ने स्वागत किया विधायकों का और प्रस्ताव को पेश किया मुकेश अग्निहोत्री जी ने, और उसका समर्थन जो है सेकंड किया उसको सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, और इस तरह से सारे विधायकों ने हाथ उठाकर सर्वसम्मति से पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया है कि वो जिसको भी चाहे नेता वो चुन सकते हैं। हमारे जो ऑब्जर्वर, हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और लीडर अपोजिशन इस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन दोनों की उपस्थिति में हमारे ICC के सारे सेक्रेटरीज, फंक्शनरीज सबके साथ जो है उनके सामने बैठक हुई, और उनके सामने उन्होंने ये सबको अधिकृत किया है। और इस तरह से जो है पार्टी हाईकमान को अधिकृत कर दिया गया है कि किसको वो जो है अपना जिसको चाहे वो नेता चुन सकते हैं। सर, पार्टी हाईकमान तो ऑब्जर्वर्स जो है वो कल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, कल परसों तक पार्टी हाईकमान को, और उसके बाद इसका निर्णय जल्दी से जल्दी ले लिया जाएगा। सर, विधायकों ने कौन कौन से नाम आपके सामने रखे, क्योंकि आपने उनसे? किसी विधायक ने कोई नाम नहीं रखा है, सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला। जो कोई नाम रखा हो कि आप इस पर क्या कहते हैं? नहीं, हमने कोई नाम नहीं रखा, हमने उनको पूछा और सबने पार्टी हाईकमान के लिए बोला है कि जो हाईकमान कहेगा उसे स्वीकार करें। शुक्ला जी, आज आप गवर्नर से भी मिले हैं क्या? कर्सी कॉल थी जिसमें हम और हमारे भूपेश बघेल साहब और भूपेंद्र हुड्डा जी, हम लोग उनसे मिले थे, कर्सी कॉल किया और उनको इस चीज़ से अवगत कराया कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत यहाँ मिला है और कांग्रेस को यहाँ पे जो है सरकार बनाने का अवसर मिलना चाहिए। जल्दी हम जो है अपना विधायक दल का नेता उनको बताएंगे, और उनकी सुविधा पूछी माननीय राज्यपाल जी की कि अगले कितने दिनों तक, कुछ कितने दिनों तक वो अवेलेबल है, उनकी उपलब्धि क्या से मतलब है। वो तो एक कर्सी कॉल थी, जो एक प्रदेश के वो मुखिया होते हैं राज्यपाल महोदय, इसलिए उनसे कर्सी कॉल करने हम गए थे। राजू, केंद्रीय आला कमान को फाइनल कॉल और फाइनल मैसेज यहाँ से क्या गया? केंद्रीय आला कमान को हम लोग ऑब्जर्वर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे कल जाके, और वही वन लाइन रेजोल्यूशन है, पार्टी ऑथराइजिंग द पार्टी हाईकमान, अधिकृत करते हैं कि पार्टी हाईकमान जिसको चाहे नेता चुन सकती है। हिमाचल प्रदेश को कब तक उसका मुकाबला? मैंने आपको इस सवाल का जवाब पहले दे दिया कि जल्दी से जल्दी हम इसका निर्णय लेंगे। शुक्ला जी, क्या शिमला में कंसेंसस नहीं बन पाई जिस वजह से ये सिंगल? ऐसा कुछ नहीं, कंसेंसस ही तो है, हाईकमान को अधिकृत करना तो कंसेंसस ही है, सहमति है। सर, अगला मुख्यमंत्री क्या विधायकों में से ही चुना जाएगा या जो 40 विधायक चुने गए उसके बाहर से भी कोई मुख्यमंत्री? मैंने आपको बताया कि सारे निर्णय लेने का अधिकार पार्टी हाईकमान को है, पार्टी हाईकमान जो निर्णय लेना चाहे ले सकती है। राजीव सर, एक मैसेज और बाहर जा रहा था कि
अंदर खाने स्थितियाँ ठीक है, पूरी तरह से निराधार, गलत, कहीं कोई गुटबाजी नहीं, कहीं कोई इस तरह नहीं, अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ नहीं चल रहा था, ये सब मीडिया की बनाई हुई बातें, अंदर कुछ नहीं, पूरी तरह से एकता, पूरी तरह से जो है शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग हुई, सारे विधायकों ने एक सहमति से, एक स्वर से, और जो है हम पार्टी हाईकमान को अधिकृत किया कि कोई विवाद है ही नहीं। देखिए आप, हम भी 20 साल पत्रकार रहे, इसलिए आप हमें जो है जो सवालों के जवाब उलझाने की कोशिश करते हैं, ये सवाल हम खुद पूछा करते थे। और बताइए नेक्स्ट। सर एक राजीव जी, एक सवाल और है कि आज जब सुबह राज्यपाल से मिलने आप लोग गए, आपके साथ कोई प्रदेश का चेहरा नहीं था साथ में, इसकी क्या वजह थी? नहीं, हम जो है, हम लोग ACC के जो हम लोग थे, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमने जाके उनको कटसी कॉल किया, क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं, ये पूर्व मुख्यमंत्री लीडर पोस्ट है और हम जो है यहाँ के इंचार्ज हैं, उस नाते उनसे कटसी कॉल करने के लिए गए थे, एक शिष्टाचार भेंट थी। आपको बताया जाएगा जैसे ही पार्टी फैसला लेगा, आपको बता दिया। मैंने आपको बताया ना कि सारे निर्णय पार्टी हाईकमान लेगा, हम लोग अपनी रिपोर्ट जाके सौंप देंगे। ये सवाल तो पांचवी बार आ रहा है जिसका हम जवाब दे चुके हैं। शुक्ला जी, प्रतिभा जी ने कहा है कि हाईकमान को वीरभद्र जी की जो लीगेसी है उसको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। देखिए वीरभद्र जी को तो हम सारे लोग मानते हैं, प्रतिभा जी खाली तो मानते नहीं, सारे लोग मानते हैं वीरभद्र जी को, है पूरी कांग्रेस मानती, तो वो तो कोई बात ही नहीं है। ये सारी चीज़ों का जो है ना, और किसने क्या काम हो जाए तो उसका आइडिया पता नहीं है, लेकिन यह है कि वो तो पार्टी हाईकमान पे जब सब प्रतिभा जी की भी उसी मीटिंग में उपस्थिति थी, जब उनको सब अधिकृत कर दिया पार्टी हाईकमान को, तो ये सारे प्रश्न छोड़ दीजिए हाईकमान पर। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं है, कुछ नहीं है, वो तो इसलिए कि लोगों को कन्वीनियंट चंडीगढ़ पड़ रहा था, उधर के लोगों को आने के लिए चीज़ रख रहे हैं। आज स्टेटिंग कोई पर हमारा बहुत स्पष्ट और भारी बहुमत है, इसलिए उस तरह की बात नहीं है। और मैं इस बात का स्वागत भी करूंगा कि हमारे जो अभी तक मुख्यमंत्री थे उन्होंने स्वयं जाके तुरंत इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस को उन्होंने शुभकामनाएँ और बधाई भी दी है सरकार बनाने के लिए, तो हम किसी के खिलाफ कुछ बोल ही नहीं रहे, इसलिए हम उनके इस कदम का स्वागत करते हैं जयराम ठाकुर जी के। निश्चित रूप से इससे कांग्रेस को न केवल जीवनदान, कांग्रेस का फिर से जो है कांग्रेस के पूरे प्रदेश में जो है कांग्रेस की शक्ति मजबूत होने के आसार संकेत मिलेंगे। इस मैंडेट का बहुत बड़ा अर्थ है जो हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है, हम हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ये देवभूमि है, यहाँ देवों की कृपा से, भगवान की कृपा से कांग्रेस को आज मिला है। कोई प्रश्न अगर आप बघेल जी से कहना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नहीं, चीफ मिनिस्टर हाईकमान तय करता है, बाजी मारने की बात नहीं है। हमें तो ये भी नहीं पता कि कौन है, मुझे तो पूछा भी नहीं गया। हम तो अभी तो CMP होनी है, अभी तक इंटरेक्शन आपके लिए राजी है। मैं कार्यकर्ता हूँ, हाईकमान जो बोलता है उसके लिए मंजूर हूँ। आपने क्या कहा सर मीटिंग में? अभी यार मेरे तो बात ही नहीं हुई है, अभी बात तो होने दो। आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अभी ऑब्जर्वर आ रहे हैं, प्लीज आपके ऑब्जर्वर आ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।